प्रेत और चुड़ैल जैसी चीजों को विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन लोगों की तो अपनी ही मान्यताएं हैं जिन्हें लोग सदियों से निभाते चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से 24 किलोमीटर दूर जावर गांव के पास सैलानी बाबा की दरगाह पर हर साल भूतों का मेला लगा रहता है। यह मेला होली के दिन से शुरू होता है और रंग पंचमी तक खत्म होता है। इस मेले में शामिल होने के लिए आसपास से कई राज्य जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और से कई लोग पहुंचते हैं। आइए जानते हैं भूतों के इस मेले में क्या क्या होता है। खंडवा में भूतों की एक अदालत लगती है। इस अदालत के जज सैलानी बाबा हैं। ये आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि बाबा के सामने भूत प्रेत कांपते हैं, उनकी जाली पकड़ते ही भूत अपना जुर्म कबूल लेते हैं। ये आने वाले लोगों का कहना है कि बाबा भूतों को सजा भी देते हैं। खंडवा में धार्मिक सद्भावना की मिसाल भी सैलानी बाबा की मजार पर देखने को मिलती है। यह सभी समाज के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। यह देह बाधा पीड़ितों की चीख पुकार की आवाज से पूरा परिसर गूंज रहा है। देह बाधा और जादू टोना से पीड़ित लोग यह पहुंचते ही झूमने लगते हैं। कोई जमीन पर लौट रहा है तो कोई सुध-बुध भूलकर बदहवास है, बाबा की जाली पकड़कर चिल्ला रहा है। यह मंजर देखकर लगता है कि जैसे इस दरगाह पर भूतों का मेला लगा हुआ है। सैलानी बाबा की मजार परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की जरूरतों की सामानों की दुकानें भी लगती हैं। बाबा की मजार पर चादर चढ़ाने वालों का तांता भी लगता है। लोगों की मन्नत पूरी होने पर यह चादर, लोभान, अगरबत्ती और मिर्ची चढ़ाते हैं। रंगपंचमी पर चादर चढ़ाई जा रही है और इसमें हजारों लोग भी शामिल होते हैं। इस अवसर पर दरगाह परिसर में पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है। बैतूल जिले से आए एक श्रद्धालु का कहना है कि मैं अपनी बीवी और बच्चे की बीमारी से बहुत परेशान था। किसी ने उन पर जादू टोना कर रखा था। 80,000 रुपए देकर इलाज कराया लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। बाबा की दरगाह पर आकर माथा टेका तो मेरे परिवार की सारी दुख परेशानी दूर हो गई। दरगाह के खादिम अनवर बताते हैं कि बाबा सैलानी की दरगाह पर ज्यादा देह बाधा से पीड़ितों को लेकर बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं। अधिकांश पीड़ित तो इस स्थान पर होली से लेकर पंचमी तक रुकते भी हैं। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पूर्व सैलानी बाबा यहां आए थे। लोगों का सैलानी बाबा पर अटूट विश्वास है और वे अपनी दुख तकलीफ में बाबा की दरगाह पर आकर मन्नत मांगते हैं। पीड़ितों का विश्वास है कि उनकी यह मुराद आने से पूरी होती है। खंडवा मध्य प्रदेश से संजय चौबे की रिपोर्ट। पानी गाँव से आया हूँ मैं। तरीकर मेरे को 3-1 साल के आसपास होगा। मेरी मिसेज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जबकि बाबा सैलानी सरकार ने मेरी मिसेज को पूरा फायदा दिया। तो होली पर हमेशा मानते सर जी को भूत प्रेत की ज़्यादा बहुत ज़्यादा समस्या थी और इसको 4-5 साल से तकरीबन हर जगह मैंने देखा, वेद को, डॉक्टर को, लेकिन सब ने मना करा, लेकिन मेरे को बाबा सैलानी सरकार ने मेरे को पूरा फ़ायदा दिया और मेरी मिसेज अब बिल्कुल ठीक है। तो 1939 में उस टाइम साधन नहीं था, जब यहाँ पर बाबा की स्थापना हुई लोग बैलगाड़ी से आया करते थे। यहाँ पर 5 गुरुवार करना बहुत ज़रूरी है। किसी को भारी बाधा या दुख या बीमारी, जो भी पीड़ित होता है, भूत प्रेत या कोई आत्मा में ग्रस्त होता है, वो यहाँ पर 5 गुरुवार करके यह जाली पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जाली जैसी पकड़ता है तो उसके अंदर का जो शैतान है, जो आत्मा है, वो ऑटोमेटिक प्रकट होने लग जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये खंडवा ज़िले के ही लोग आते हैं, यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र से, राजस्थान से और पूरे अन्य राज्य के लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो वो बाबा की ऐसी कृपा होती है कि जिनको बे औलाद होती है, जिनको संतान नहीं होती, वो संतान भी होती है। कई लोग ऐसे हैं जो परेशान, डॉक्टरों को दवा गोली डॉक्टरी दिखाने के बाद भी जो स्वस्थ नहीं होते हैं, फिर वो यहाँ हमारे जो परिवार के लोग हैं उनको विधि बताते हैं कि आपको 5 गुरुवार यहाँ पर हाजिरी देना है। तो वो जो आदमी पीड़ित रहता है, जो डॉक्टर लोग इलाज नहीं करते, विधवा अपने हकीम इलाज नहीं करता, कोई वैद्य नहीं, यहाँ पर उस प्रकार की उसकी बीमारी का निराकरण होता है। मैं ग्राम संदलपुर तहसील खातेवाम जिला देवास का रहने वाला हूँ और वहाँ से आया हूँ। मेरी बीवी और मेरे 4 बच्चों को लेकर आया हूँ यहाँ। मैं 5 साल से यहाँ आता हूँ और मेरी बीवी, मेरे बच्चों को बहुत सारी परेशानियाँ थी। किसी का पेट दर्द होता था, मेरी बीवी का यानी पेट में काट चलती थी। मैं अस्पताल वगैरह जाता था, इस अस्पतालों में पैसे वगैरह भी लगाता था, इलाज करवाता था, बिल्कुल आराम नहीं होता था। उस पर आया 5 साल यानी 2014 में यहाँ पे आया मेरी बीवी बच्चों को लेके। तो यहाँ पे आने के बाद में वो घूमना, जो बीमारी जो थी, जो चीज़ से मैं परेशान हो रहा था, मैं करीबन 80,000 रुपये मेरे बीवी बच्चे में लगा चुका था, उस चीज़ का यहाँ पे आके वो बीमारी मुँह से बोलने लगी।
बोले यहाँ आने के बाद में उन्हें फिर हाजिरी आई, तो हाजिरी में जो भूत जो बोला गया, जो करा हुआ था, बिरबुटिया जो बोलते हैं जादूगर लोग और जानकार लोग जो बिरबुटिया बोलते हैं, जो बिरबुटा करा हुआ था, यहाँ आने के बाद में वो खुलासा हुआ फिर।